तो शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने संविधान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बीजेपी ने शिवसेना का साथ धोखा दिया, पार्टी को बीजेपी ने अपमानित किया और अब एनडीए में फूट होगी। इन्हीं सभी को लेकर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता कमलेश सिंह ने। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट से पहले ही फडणवीस सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। पहले अजित पवार ने इस्तीफा दिया, फिर देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा। मेरे साथ शिवसेना नेता अरविंद सावंत जी। सावंत जी, फ्लोर टेस्ट से पहले ही फडणवीस भाग गए, इस्तीफा देना पड़ा, फजीहत करा के गए। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूले से। सच्चाई थी, जानते थे सारे विषय, संविधान भी नहीं मना रहे थे हम यहां, वहां धज्जी उड़ा रहे थे आप, जबकि आपके पास संख्या बल नहीं था, फिर भी झूठ बोलकर हमारे पास संख्या है, शपथ ग्रहण कर लिया, वो भी रात के अंधेरे में राष्ट्रपति जी का अनुशासन खत्म कर दिया। क्यों भैया, सुबह जाके शपथ ग्रहण करते हो, खुलेआम कर रहा था, आपको भी बुलाया नहीं था, किसी को बुलाया था? फिर आदरणीय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति वहां बहुत महत्वपूर्ण होती, वो भी नहीं थे। इतनी गंदी राजनीति खेलते हो, बड़ा दुख हुआ। लोग जानते थे, वो खुद भी जानते थे, अजित पवार आए हैं, पूरा 54 का गठबंधन नहीं आए थे, पूछिए, सुबह तक बोल रहे थे हम कल फ्लोर टेस्ट पे बादशाह साबित कर देंगे कि हमारे पास बहुमत है। कहा क्या हो गया, क्या हुआ? अजित पवार जी ने भी ये जाना कि मैं अकेला रह गया हूं, शरद पवार साहब जिस ढंग से खड़े हुए हैं ना, उसके सराहना करें उतनी कम होगी। जो एरोगेसी है बीजेपी हाईकमान का, उसकी वजह से शिवसेना ने साथ छोड़ा और एनडीए के कई अलाइज इस तरह की बात बोली। जो हाईकमान हरियाणा में दौड़ के जाता है और यहाँ अगर समस्या खड़ी हुई है और हाईकमांड के वचन से खड़ी हुई है, तो हाईकमांड क्यों नहीं आया? ये सवाल मेरे मन में बार बार आज तक उभरता है। क्यों हाईकमांड दुर्लक्ष कर रहा था, पता नहीं, आज भी मुझे उसका जवाब आज भी नहीं मुझे मिल रहा है। सर, क्या माना जाए कि एनडीए के बिखरने का समय शुरू हो गया? अभी आप देख लीजिए, शुरुआत तो महाराष्ट्र से हुई है, अब ये नींव है। देश में राज्यों की जो छोटी छोटी पार्टियां है, सब में ताकत आ जाएगी, सब में लगेगा अभी कि अगर दबाव की तंत्र की जाकर हम लोग मुंडी झुका कर चलते रहे, नहीं चलेगा, खड़े रह सकते हम, शिवसेना ने बता दिया है, खड़े रहो। क्या माना जाए कि उद्धव ठाकरे अगले चीफ मिनिस्टर होंगे? जरूर होने ही चाहिए, वही तो हमारी भी अपेक्षा है, वही एक है जो महाराष्ट्र को अच्छा नेतृत्व दे सकते। सबसे बड़ी बात है कि सात वाली पार्टियों ने भी माना है ना, वही रहना चाहिए, और क्या चाहिए? जनता के मन में है ठाकरे परिवार का मुख्यमंत्री बने, यही समय है। ये थे शिवसेना नेता अरविंद सावंत, जिनका दावा था कि उद्धव ठाकरे ही अगले चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के होंगे। राहुल के साथ कमलेश सिंह, R9 TV, दिल्ली।